खबर रीवा जिला अंतर्गत नई गढ़ी जनपद पंचायत से आ रही है, जहां पर कायदे कानून की बखिया उधेड़ते हुए जनपद के अधिकारी के खुलेआम मनमानी चल रही है। जनपद पंचायत में आज सामान्य सभा की बैठक होनी थी, जिसमें नई गढ़ी जनपद पंचायत सीईओ शैलेश पांडे उपस्थित नहीं हुए। वहीं जब से 2022 में पंचायत निर्वाचन संपन्न होने के बाद में जनप्रतिनिधियों का चयन हुआ है, उसके बाद से लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि जनपद पंचायत सीईओ बैठक में नदारद रहते हैं और बैठक की जानकारी भी किसी को नहीं देते हैं। ऐसे में आज सभी सदस्यों ने नई गढ़ी जनपद पंचायत सीईओ के खिलाफ सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पारित किया है। नई गढ़ी जनपद पंचायत अध्यक्ष ममता कुंज बिहारी तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम अपने सभी जनपद सदस्यों के साथ रीवा जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना देंगे और मांग करेंगे कि ऐसे अधिकारियों को तत्काल यहां से हटाया जाए जिन्हें महिला जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना नहीं आता। गौरतलब है कि नई गढ़ी जनपद पंचायत में 16 जनपद सदस्य महिलाएं हैं। ऐसे में महिला जनपद सदस्य बैठक में आती हैं और सीईओ के ना रहने से वापस चली जाती हैं। मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वहीं महिलाओं के साथ नई गढ़ी जनपद में ऐसा दुर्व्यवहार समझ से परे है। मध्य प्रदेश के इतिहास में शायद आज जनपद पंचायत नई गढ़ी की यह पहली घटना होगी कि यहां पर सामान्य सभा की बैठक का विषय सचिव मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 11वें दिन पूर्व दिए जाने के बावजूद सामान्य सभा का एजेंडा जारी नहीं किया जा सका। बैठक की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई, यहां तक कि जनपद के कर्मचारियों तक को निर्देशित नहीं किया गया। जनपद पंचायत नई गढ़ी को मजाक बनाकर सीईओ द्वारा रखा जा रहा है। मैं जनपद अध्यक्ष होने के नाते मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम व नियम का सम्मान तथा पालन करती हूं तथा भविष्य में भी करूंगी, किंतु एक महिला जनपद अध्यक्ष होने के नाते प्रभारी सीईओ द्वारा जो कृत्य और कानून की अवहेलना की गई उसका जवाब व उस पर कार्यवाही जरूर शासन प्रशासन व जिले के कलेक्टर महोदय को करनी चाहिए। जनता के हित का कामकाज में इस तरह का व्यवधान उत्पन्न करना एक जनपद सीईओ को शोभा नहीं देता है। अब देखना यह होगा कि वरिष्ठ अधिकारी जिला पंचायत सीईओ जिला कलेक्टर पंचायत विभाग के मुख्य सचिव ऐसे अधिकारियों पर कार्यवाही करते हैं या फिर महिला जनपद सदस्यों को अपने अधिकारों के लिए आंदोलन के लिए बाध्य किया जा रहा है। आज सामान्य सभा की बैठक जी, क्या प्रस्ताव पारित हुए? कुछ भी प्रस्ताव नहीं पारित हुए, क्योंकि जो सीईओ थे यहाँ के वो आए हुए नहीं हैं और ना किसी को जानकारी थी और ना जानकारी है। जो हमारे सदस्य भी आए हुए थे, इतनी दूर से आए हैं, बोले हमको कोई जानकारी सिर्फ आपके द्वारा है और ना किसी कर्मचारी को ही जानकारी दी गई थी कि आज 31 तारीख को सामान्य सभा की बैठक है। जनपद सीईओ उपस्थित नहीं है बैठक में जी। पहले इसकी कितनी सामान्य सभा की बैठकें हो चुकी हैं? पहली है ये, और बाकी दो तीन हो चुकी हैं सामान्य प्रशासन की है। सीईओ महोदय नहीं आए हैं, उनके खिलाफ क्या आपके द्वारा कोई ऐसी कार्रवाई की है? जी, मैंने निंदा प्रस्ताव पारित कराया और उसमें ये भी मैं बोलती हूँ कि जिला सीईओ कलेक्टर कमिश्नर बोलते हैं कि हम आप लोगों के साथ हैं, महिला अगर महिला अध्यक्ष हो जाए तो उसका कोई साथ नहीं देगा, ये क्या है? बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं, आप चाहे तो जैसा करना चाहती हो ऐसा कर सकते हैं, मगर जब सीईओ ही हमारे साथ नहीं है तो हम क्या वाले न जिला सीईओ। हमको 15 दिन का टाइम दिया गया था, मगर वो 15 दिन के ही टाइम में भी कुछ भी नहीं कर पाए। मैं अब अपने जनपद सदस्यों को ले जाके कलेक्ट्रेट में धरना बैठूंगी। हम लोगों को अध्यक्ष महोदय द्वारा एजेंडा जारी किया गया था तो हम लोगों ने माना कि सीईओ साहब ने जारी कर दिया होगा, इसी तरह होता है। तो हम लोग आए बैठक में, यहाँ बैठक में आए तो यहाँ कोई न कर्मचारी है न सीईओ है। 12 बजे से बैठक थी, 12 बजे से 2:30 बजे तक हम लोग प्रतीक्षा किए कि हो सकता है कहीं इधर उधर हो आ जाएंगे। 2:30 बजे तक जब नहीं आए तो हम लोग प्रायः ये देख रहे हैं कि इसी तरह की जब से ये निर्वाचन हुआ है 2022 का, निरंतर सीईओ साहब इसी तरह सीईओ साहब और अध्यक्ष के बीच में चल रहा है। माने सीईओ साहब अध्यक्ष महोदय को कतई कोऑपरेट नहीं करना चाहते हैं, उनके इन कृत्यों से ऐसा लगता है मेरे को। ये बड़ी दुखद बात है। मैं मानता हूँ कि एक महिला अध्यक्ष होने के नाते, 16-16 महिला जनपद सदस्य होने के नाते उन्हें अपमानित किया जाता है, वो सभी महिलाएँ अपने को अपमानित मान रही हैं। तो आज की कार्यवाही में सर्वसम्मति से उपस्थित सदस्यों द्वारा माननीय सीईओ साहब के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है
और ये कहा गया है कि यह प्रस्ताव की प्रतिलिपि शासन मध्य प्रदेश भोपाल भेजा जाए मुख्य सचिव को और कलेक्टर साहब को, जिला पंचायत सीओ को, कमिश्नर साहब को, समस्त अमला को भेजा जाए और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की। कुछ कार्रवाई नहीं हुई, सीओ के कारण कोई कार्रवाई हुई, लेकिन निंदा प्रस्ताव किया गया उनका। वो समय समय पर जुलाई से हम लोगों की एक भी मीटिंग नहीं हुई उनके कारण एक भी मीटिंग नहीं हुई। जब जब हम लोग मीटिंग में आते हैं तो वो अनुपस्थित रहते हैं। इस कारण से मीटिंग एक भी सफल नहीं हो रही है, चाहे वो सामान्य सभा की मीटिंग हो, चाहे वो सामान्य प्रशासन की मीटिंग, चाहे जो भी मीटिंग हो। सांसद सदस्य के प्रतिनिधि होने के नाते मैं यहाँ पहली बार बैठक में उपस्थित हुआ और यहाँ देखा, जब बैठक में सभी सदस्य बाहर खड़े थे और 12 बजे का समय निर्धारित था और 12 बजे तक ना तो सीओ को पता था ना कुछ, या इवन हम लोगों ने 2:30 बजे तक यहाँ इंतज़ार किया। जब वो नहीं आए तो 2:30 बजे के बाद बैठक की कार्रवाई की गई और बैठक में सबसे पहले सदस्यों ने मांग किया कि भाई ऐसे सदस्य सीओ के खिलाफ मानना का कार्रवाई होना चाहिए। तो हम लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, इनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाए और ये निंदा प्रस्ताव पारित होने के बाद जो एजेंडा था इसके पहले दिया गया था सूचना में हम लोगों को, उस एजेंडे के को वहीं स्थगित करके निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया और बाकी के मुद्दों पे चर्चा बंद कर दी गई। क्या नाम लिखते हैं? कमलेश कुमार पटेल। क्या